देख रहे हैं SGN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। अमौर थाना परिसर में मुहर्रम के दौरान शांति, भाईचारा व विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष विजय कुमार यादव द्वारा की गई। इस मौके पर अर्जुन कुमार व वीडियो रघुनंदन आनंद ने गणमान्य लोगों व जनप्रतिनिधि को संबोधित करते हुए कहा कि पर्व के दौरान क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखे, आपसी सामाजिक सौहार्द कायम रखे, अखाड़े को करबला में निर्धारित समय पर प्रवेश करने सहित शरारती तत्वों पर कड़ी नजर रखनी है। सभी करबला मैदान में पुलिस बल की तैनाती रहेगी। किसी भी प्रकार की घटना होने पर अविलंब प्रशासन को सूचित करना है। मुहर्रम का पर्व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इस पर बैठक में लोगों ने कई सुझाव दिए। मुहर्रम में लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। मुहर्रम के समय किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या अशांति नहीं हो, इसके लिए पूरी तरह सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम रहेगा।